हो, तुम ये चेक करो, चार मीनार भाई हो, हैदराबाद आ गए हो। और तुम ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गुजर महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, देख सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तुम्हारे सीनू भाई के घर से। तो भाइयों, आज का कंटेंट कुछ इस प्रकार का है। 23 तारीख को होने वाला है गुजर महोत्सव, जो कि सूरज कुंड के अंदर होने वाला है। एक रिसोर्ट है टूरिस्ट का वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने लायक है, इसलिए वहाँ पर ये शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कैरेक्टर आने वाले हैं, कैरेक्टर मीन्स यार सिंगर आने वाले हैं, जैसे एडी नागर हो गया, MC स्क्वायर हो गया। तो अभी तो फिलहाल मेरे को इन दो के ही बारे में पता है, बट हम 23 तारीख को जिस दिन ये शो होगा उस दिन जाएंगे। साहिल भाई, मैं, विपिन, अमन, रवन, हम सारे भाई जाएंगे अपनी वैगनार से। तो इसी के साथ अभी मैं तुम्हें रास्ते में मिलता हूँ, जहाँ पे हम प्लेस पे जाएंगे वहाँ पे। और साहिल का कुछ आज कंटेंट भी शूट करना है विपिन की निंजा से, तो उसका वो भी करवा देंगे अगर हो सका तो, और शायद ना हो पाए क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा देखने में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो, और वो इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो उसकी डेकोरेशन वगैरह चेक करने जा रही है कि कहाँ पर हो रहा है, किस जगह हो रहा है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और मिलते हैं तुम्हें रास्ते में, ठीक है भाई, सारे यार दोस्तों के साथ। तो भाई, फाइनली जिस प्लेस पे मैं अपनी वीडियो वगैरह शूट करनी थी उस प्लेस पे हम आ चुके हैं। फिलहाल में पहले भरवाएंगे पेट्रोल, और भाई तुम रोड चेक कर सकते हो किस हिसाब का रोड है भाई। कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं भाई, मनाली कहीं, ये हमारे यहाँ के सूरज कुंड का रोड है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और ये हमारा अमन भाई और रमन भाई, अरे तो भाइयों, ये हमारा अमन भाई और रमन भाई आ चुके हैं, और अमन को मिल गया ड्यूक का आज हेलमेट, तो इसलिए आज इतना ये खुश है क्योंकि आज इसे मिल चुका है हेलमेट इसके ड्यूक का। भाई दिखाओ दिखाओ भाई, हेलमेट तो दिखाओ, हेलमेट दिखाओ, रोकना का पेट्रोल पंप पे। तो अभी तुम्हें भाई हेलमेट भी चेक करवाऊंगा ड्यूक का, आज अमन को फाइनली हेलमेट वगैरह सब मिल गया, सारे काम खत्म हो गए थी गाड़ी के, बाहर से वगैरह की सब चीज। तुम ये चेक करो, मनाली जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो भाई, रोड कितने प्यारे हैं, फुल जंगल, ओ ये तो आग मूत रहा था बे भाई साहब। तो भाइयों, फाइनली आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप पे। तो विपिन भाई हमारा गया पेट्रोल डलवाने, अगर तुम देख सकते हो तो भाइयों देखो, वो रहा हल्का सा दिखेगा तुम्हें, वो देखो वो रहा उस तरफ, वो देखो ये जहाँ मेरी उंगली ना वहीं है भाई, ठीक है। तो फिलहाल में अभी अमन भाई का हेलमेट खोल दिया हमने, अब जल्दी जल्दी तुम्हें चेक करवा दे। अबे तू हेलमेट खोल गया, तू बैठ। हाँ तो भाई देखो हेलमेट तुम्हें दिखा देते हैं फुल बढ़िया करके। वाह वाह, बाइक की मैचिंग का लिया है क्या, ऑरेंज ऑरेंज यार हेलमेट तो ओके दिया एकदम। रुक जा, हाँ दिख गया वो मुझे दिख। हाँ चश्मा भी है क्या, हाँ ये विपिन, विपिन जैसे ही होगा उतना ही। डेढ़ किलो का हो कितने का, 16 रुपये प्लस 50 ग्राम, 1650 मतलब 1 किलो 1650 ग्राम। पैडिंग भूलेगी मस्त, इसके अंदर माइक कैसे फिट होएगा बढ़िया, और गोप्रो लगेगा यहाँ, अमन खुश। अरे ले ले यार, कोई भी फील देखो, बस अमीर आदमी देखा नहीं, हाथ फैलाना चालू, और इसने छुड़ा दी पन्नी देखो, छोड़ छोड़ आईफोन की छुटाई थी ना, वैसे इसकी सोच रहा फील आएगा, गंदी सकल। एक वीडियो दिखा दो दोस्त, यार ये बड़ा प्यारा दोस्त है। ओए दोस्त का कुछ और ही बोल सकता है। अरे इसे मत छुटा ना, नहीं ये पता कब काम आता है, अंदर वाला बताया होगा तेरे को, एंटी फॉग है उसके ऊपर ही पन्नी निकलेगी। तो भाई ये चेक करो, अब अमन भाई पहन के चेक करने वाले हैं। अमन इधर आके पहनो, तुझे धूप पड़ रही है। अमन अमन भाई पहन के चेक करवाओ भाई, कैसे लग रहे हो, राइडर लगेगा ना तू आज तो। तो भाई ये चेक करो, अमन भाई ने पहन लिया हेलमेट, गाल चढ़ गए ऊपर, दिखा देना। हाँ तो भाई एकदम औसम लग रहा है, अब हेलमेट तो दिखा दिया, अब जल्दी जल्दी मिलते हैं जब ये साहिल अपना बाइक का कंटेंट शूट करेगा, तब मैं तुमसे मिलता हूँ। और तुम्हें मनाली की रोड तो दिखा दी हमने अपने यहाँ की, मनाली मनाली जाने की जरूरत ही नहीं है यार अपने को, अपने को यहीं लीन वगैरह करने को मिल जाती है बाइक वगैरह ना भाई, दोस्तों में मज़ा आता है। अब दोनों के हेलमेट एक जैसे हो गए हैं, और तुमने भाई इतनी देर से ये वाला हेलमेट तो चेक ही नहीं किया, एक मिनट देखो भाई, ये रहा ऑल ब्लैक वेगा का हेलमेट जो कि हमारे साहिल भाई का, इसका ग्लास तुम चेक करोगे क्या, ये चेक करो इसका ग्लास ऐसा है भाई, ये फुल
अब पैसे दे देता हूँ। ये ले साहिल, ये ले साहिल तेरी है मान लो। चल मैं नहीं कपड़ा, वरना तू बाकी दे दिए इसको पैसे अपन ने, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो भाइयों अभी तो फिलहाल में कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप हुए थे, कंटेंट शूट करेगा साहिल अभी खाने पीने के बाद, पेट्रोल वगैरह फ्यूल अप करवा ही लिया है, तो अब खाने पीने के लिए आए थे यही सूरजकुंड में, बहुत ही प्यारी सी जगह है। तो अभी पूछता साहिल से, साहिल जगह का नाम जाती हो? देख के मत बता, तेर से पूछ रहा हूँ, बोर्ड में तो मुझे भी दिख रहा है 23 तारीख को है चामुल। तो भाई अभी फिलहाल में यहाँ पे खाने के लिए आए थे, क्योंकि साहिल बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत चीजें खाने के लिए है, जैसा कि तुम चेक कर सकते। देख के नहीं बोला पहली बात। अच्छा पता। अच्छा ठीक है, देख के नहीं बोल रहा भाई, सीओ ने बताया नहीं, सीओ भाई ये हर शर्मा की मेरी दुकान थोड़ी होगी यार, तुम ही हो ना, इतना अमीर कोई हूँ मैं, तो पंडित है। तो भाई ये बाइक वगैरह लगा दिए है यहाँ पे, और जल्दी जल्दी कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से कंटेंट शूट करने के लिए। फाइनली भाइयों आ चुके हैं सूरजकुंड के अंदर, जो कि मैंने तुम्हें बताया था गुजर महोत्सव 23 तारीख को होने जा रहा है। तो भाइयों अंदर अभी इसकी डेकोरेशन चेक करने के लिए आए हैं हम सारे, तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर और मेन गेट से लेते हैं एंट्री। तो भाई सारे यार दोस्तों ने एंट्री ले ली है, और तुम ये बोर्ड भी चेक कर सकते हो जो कि ये हमारे लेफ्ट साइड पर है, गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट जो। तो भाइयों फाइनली आ चुके हैं अंदर, क्योंकि गुजर महोत्सव जो 23 तारीख को होने वाला है ऑर्गेनाइज, उसमें हम सबको मतलब साहिल भाई की बदौलत जो पास मिले हैं, फ्री एंट्री मिली है। तो अभी वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह चल रही है हमारे सूरजकुंड के अंदर, तो अभी तुम्हें चेक करा देता हूँ धीरे धीरे कि क्या क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे पड़े हैं, ये कुर्सियाँ हैं और वहाँ पे स्टेज है, वो कुछ बच्चे प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये चेक कर रहे हो भाई, कितना प्यारा हो रखा है यहाँ पे, स्टॉल वगैरह लग रखे हैं, जो भी सेमिनार वगैरह होते हैं तो यहाँ पे शॉप वगैरह लगती है, स्टॉल वगैरह लगते हैं कि कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे, जो डिस्प्ले करना होता है मेन चीज़ ये वही है। और तुम ये चेक करो, सारे यार दोस्त अभी चेक करने आए हैं कि कैसा होने वाला है इवेंट, उसकी सजावट वगैरह देखने आए हैं, फिर तो बाकी तो असली मजा 23 तारीख को ही आएगा। तो ये चेक करो भाई, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है भाई, काफ़ी बड़े एरिया में अभी पूरा तो हम घूम भी नहीं सकते भाई। ये तैयारी है ये चेक कर सकते हो भाई, ये सिक्योरिटी के बेस पे बना रखी है ऊपर, यहाँ पे पुलिस वगैरह तैनात रहती है ताकि कोई तिकड़मबाजी ना कर सके, काम में कोई बिगाड़ ना सके काम को। ये चेक करो भाई, काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, आखिर पूरा कवर नहीं कर सकते एक दिन में, बहुत बढ़िया है। और तुम ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है गुजर महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, देख सकते हो ऐसे ही होने वाला है। और 23 तारीख को मिलेंगे अपन यहाँ पे, फुल बढ़िया इवेंट होने वाला है यहाँ पे, काफ़ी लोग आने वाले हैं, यहाँ है सब चीज़ देख सकते हो आप, डेकोरेशन वगैरह चली रही है अभी भी। फिलहाल में अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो ये चेक कर सकते हो तुम सारा व्यू पीछे एरिया का ना, जितना भी व्यू है भाई बहुत प्यारा व्यू है, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखा दिया है अभी भी, बट कोई नहीं अभी यहाँ पे आएंगे इवेंट में 23 तारीख को, फिर वो उसका स्वाद लेंगे अच्छा। 23 तारीख को जो इवेंट होने वाला है भाई मज़ा आएगा, 23 तारीख को भाई साहब एडी नागर वगैरह सब आएंगे भाई। ये तो दिखा दिया भाई मैंने, गेट के एंट्री पे दिखा दिया सब। तो तुम भाई गेट चेक कर सकते हो कितना प्यारा है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी घर की तरफ। तो भाई हम फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं अपना प्लेस देख के, जो कि 23 तारीख को हम आने वाले हैं, और बाकी सारे अमन और विपिन भाई की निंजा की टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, जो हमें अभी भाई मिले थे उनके फ्रेंड ये रहे भाई, चेक कर ये, और तुम ये चेक करो चार मीनार भाई हो, हैदराबाद आ गए हो, मेरे पीछे देख सकते हैदराबाद की और भाई सूरजकुंड का थाना सामने है, ठीक है भाई। टूरिस्टों के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है, तुम सामने चेक कर सकते हो सनबर्ड टूरिस्ट। अरे ये बताओ स्प्लेंडर से बर्नआउट मार रहा है खामा का, अभी खामा का गेट पे ऐसे ही कर रहा है, अबे एक बार और कर, मजा नहीं आया, देसी बॉर्डर बाहर मार लियो, मेन रोड पे मार लियो यार, मेन रोड पे अच्छे से मार लियो भाई, ये नहीं सारे दोस्त कुछ नहीं कह सकते क्या दोस्त है, मानते हो भाई इस बात को? मानता हूँ बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात।
तो फाइनली मेन गेट हो रहा, यहाँ से बाहर निकल के वीडियो शूट करते हैं। और ये देखो भाई, ये रहा सिल्वर जुबली गेट, अब यहाँ से निकलते हैं वरना गार्ड अंकल हमारा। फाइनली भाई, ये डेकोरेशन वगैरह चेक करने के बाद निकल चुके हैं अपने घर की तरफ सूरज कुंड होते हुए। यहाँ से घर हमारा करीब 6-7 किलोमीटर दूर है, तो अभी तो चल ही रहे हैं अपन सीधा, और तुम्हें डायरेक्ट मिलते हैं चल के गली के बाहर भाई। ओके, तो भाइयों जो प्लेस हमने देखना था वो तो हम देख गए इवेंट के, बट हमारे साहिल भाई का कंटेंट शूट नहीं हो पाया क्योंकि हो चुकी थी शाम, और जब लाइटिंग अच्छी नहीं आएगी तो फिर वीडियो रिकॉर्ड होगी नहीं, वो तुम्हें पता ही है, सब मेन सारा काम होता है लाइटिंग का। तो फिलहाल में आ गए हम, उतरना थोड़ा टांग उठा के पड़ता है। और ये बच्चे देखो हमारे गली मोहल्ले के छोटे छोटे, ये हमारा प्रिंस भाई, क्या हाल है। तो फिलहाल में कंटेंट शूट उसका हो नहीं पाया क्योंकि भाई लाइटिंग का चक्कर पड़ रहा था सब चीज़, और शाम के टाइम तुम्हें पता पिक्चर क्वालिटी कुछ अच्छी आती नहीं है। और इसी के लिए भाई जो प्लेस हमने देखना था इवेंट का वो तो देख के आ चुके हैं ताकि आगे जाने में दिक्कत ना हो, बट फिर भी भाई वो मज़ा आ गया, वो प्लेस एकदम था ऑसम। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का यहाँ पे कर देते हैं एंड। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए पन के साथ। टाटा बाय बाय।